आज मेरे घर पे मैंने बनाया है अंडा करी और साथ में बनाया है चावल। मुझे रोटी से ज़्यादा अच्छा चावल पर लगता है अंडा करी। तो ये देखिए मैं खा रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाई हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है अंडा और आलू और इधर है लहसुन और प्याज। लहसुन और मिर्ची का साथ में पेस्ट बनाई हूँ। और सबसे पहले जो है यहाँ पे तेल गरम करेंगे। सरसों तेल से मैं बनाती हूँ अंडा करी, वही मेरे घर पे बनता है, सरसों तेल ही यूज़ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे हल्दी। तो सबसे पहले जो है अंडे को फ्राई करेंगे। और हल्दी डाल देने से क्या होता है ना कि अंडा जो है फूटता नहीं है, यानी कि जो तेल शरीर पे पड़ता है ना वो पड़ता नहीं है। देखिए कितना आराम से एक ज़रा सा तेल का छींटा नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ हल्दी डाल देने से यही फ़ायदा होता है और अंडे में एक गोल्डन सा कलर भी आ जाता है, यानी पीला पीला। अभी देखिएगा जो प्लेन अंडा फ्राई होता है ना उसमें वो कलर नहीं आता है, लेकिन अगर आप हल्दी देके फ्राई करिएगा तो अंडा आपका जो है कलरफुल रहेगा। तो ये देखिए यहाँ सारा अंडा फ्राई हो गया है। तो अब जो है इसको अलग से निकाल लेंगे एक थाली में और अब इसका ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ये देखिए अंडा पकड़ाता बिल्कुल भी नहीं है, बहुत दिक्कत होता है। तो यही तेल में अभी डालेंगे और तेल ऐड करेंगे जितना हमको ग्रेवी के लिए चाहिए और डालेंगे 5 फ़ोरन। 5 फ़ोरन जो है वो पचाने में भी हेल्पफुल होता है और उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। फिर डालेंगे यहाँ पे प्याज। प्याज को अच्छे से ब्राउन होने देंगे क्योंकि अंडा करी में जो ग्रेवी है उसी में सारा चीज़ पकेगा। चिकन और नॉनवेज, दूसरे नॉनवेज में प्याज जो है साथ में ही पकते रहता है। तो यहाँ पे प्याज मेरा ब्राउन हो गया है। तो अभी डाल देंगे लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। तो ये देखिए और उसको भी अच्छे से पका लेंगे। तो पॉट में जितना पानी था वो भी सारा मिला करके डाल दिए ताकि प्याज भी गल जाए। और अब जो है इसको ढक करके पकाएंगे। पहले हम दे देंगे टमाटर और टमाटर को गला लेंगे। यहाँ पे डाल रहे हैं हल्दी, धनिया मिर्च का पाउडर और इन सब को भी हम अच्छे से पकाएंगे। जितना मुझे चाहिए, जितना ग्रेवी है उस हिसाब से मतलब मसाला डालेंगे, धनिया मिर्च का और हल्दी भी डालेंगे उसी हिसाब से। ये देखिए सारा चीज़ पक के अच्छे से तैयार हो गया है। तो अभी क्या करेंगे ना, चम्मच से इसको पूरा अच्छे से चला लेंगे ताकि ये जो प्याज है वो टूट जाए। और अब जो है बॉयल्ड आलू जो है इसको हाथ से तोड़ तोड़ के डालेंगे, काटेंगे नहीं चाकू से। हाथ से तोड़ने से क्या होता है ना, ग्रेवी भी गाढ़ा बनता है। तो ये देखिए हाथ से तोड़ तोड़ के डाल रहे हैं और नमक डाल देंगे। नमक सारा ग्रेवी के अकॉर्डिंग डालेंगे। तो अब इसको चला लेंगे। आलू को भी थोड़ा देर के लिए पकाएंगे और इसको चला करके फ्राई करेंगे आलू को। ये देखिए और बीच बीच में आलू को क्या करेंगे ना, जो बड़ा बड़ा आलू है ना उसको तोड़ लेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि छोटा छोटा आलू में ग्रेवी ज़्यादा अच्छे से लगता है और वो खाने में भी टेस्टी होता है। तो अब डाल देंगे पानी। आलू सारा फ्राई हो गया है और ग्रेवी भी लगभग बन चुका है। तो अब बस पानी डालेंगे और इसको ग्रेवी को बढ़ा लेंगे जितना मुझे चाहिए, जितना मेरे फैमिली में लगता है उतना हम डाल देंगे। फिर इसको बॉयल आने देंगे। ये देखिए बॉयल आ गया है, आलू भी अच्छे से पक गया है। इसके बाद ही हम अंडा डालेंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि अंडा तो पहले से ही फ्राई हो चुका है और अंडा में मैंने कट पहले से ही लगा दिया था। तो अब डाल देंगे गरम मसाला और बस 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस 5 मिनट पकाएंगे और अंडा कड़ी बनके तैयार हो जाएगा। और इसको आज हम लोग चावल के साथ खाएंगे। तो लास्ट में हम यहाँ डाल रहे हैं धनिया का पत्ता। जितना आप बाद में धनिया पत्ता डालिएगा उतना ही ये टेस्टी बनता है। तो मैंने कहीं सुना था धनिया पत्ता छिड़क के मारने का, तो मैंने भी छिड़क के मारा धनिया पत्ता ग्रेवी में और ये बन गया मेरा अंडा कड़ी, बिल्कुल तैयार हो गया। कितना अच्छा लग रहा है, यमी लग रहा है और बना भी सच में बहुत यमी था। तो अब मैं इसको सर्व करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सर्व कर दिया है और मैं अपने साथ साथ अपने बच्चों के लिए भी सर्व कर देती हूँ। मेरे बच्चे सब साथ में मिल करके खाते हैं दोपहर में खाना, क्योंकि वो लोग भी स्कूल से आ जाते हैं उसके बाद ही खाना शुरू करते हैं यहाँ पे। तो बच्चों को भी दे दी हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ मुझे कितना पसंद है। ये देखिए मेरा अंडा कितना अच्छे से तैयार हो गया है और इसको मैं इंजॉय करूँगी चावल के साथ। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।